मांग महामहत्तम अध्याय 28। हरे कृष्णा राधे राधे। कल हमने मांग महामहत्तम के अध्याय 27 में ब्राह्मण कन्याओं द्वारा अपनी माताओं को नर का वर्णन बताते हुए सुना था। अब आगे ब्राह्मण कन्याएं नरकों का वर्णन बताने के बाद अपनी माताओं से जीवों के कर्मों के विषय में चर्चा कर रही थी और कह रही थी कि इस भारत भूमि पर जन्म बहुत दुर्लभ है। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर सब इंद्रियों से युक्त है, किसी भी इंद्रियों से हीन नहीं है, वे ही मनुष्य धन्य है। अतः हे माताओं, तुम भय मत करो, आदर पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करो। जिनके पास दान रूपी शुभ कर्म होते हैं, वे यमलोक के मार्ग पर सुख से जाते हैं, अन्यथा उस पथ पर जीव को महान कलेश भोगने पड़ते हैं। ये सब जानकर मनुष्य पुण्य करे और पाप छोड़ दे। पुण्य से ही देवत्व की प्राप्ति होती है और अधर्म से नरक में गिरना पड़ता है। जो देव देवेश्वर भगवान श्री हरि की शरण में होते हैं, वे भयानक यमलोक का दर्शन नहीं करते। इसलिए हे प्रिय बंधुओं, यदि तुम लोग संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परम देव श्री नारायण की आराधना करो। शरीर मृत्यु से जुड़ा है, जीवन भी चंचल है, धन राजा आदि से प्राप्त होने वाली बाधाओं से भरा हुआ है तथा सभी संपत्तियां क्षणभंगुर हैं। इसलिए हे माताओं, क्या तुम नहीं जानती, आधी आयु तो नींद में चली जाती है, कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है, कुछ बालकपन में, कुछ बुढ़ापे में और कुछ विषय भोगों के सेवन में ही बीत जाती है। फिर कितनी आयु लेकर तुम धर्म करोगी? बचपन और बुढ़ापे में तो भगवान के पूजन का अवसर नहीं प्राप्त होता। अतः इसी अवस्था में अहंकार शून्य होकर धर्म करो, संसार रूपी भयंकर गड्ढे में गिरकर नष्ट ना हो जाओ। यह शरीर मृत्यु का घर है तथा आपत्तियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इतना ही नहीं, यह रोगों का भी निवास स्थान है और मल आदि से भी अत्यंत दूषित रहता है। हे माताओं, फिर किस लिए इसे स्थिर समझकर तुम पाप करती हो? यह संसार नाना प्रकार के दुखों से भरा है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम्हारा निश्चय ही नाश होने वाला है। हे बंधुओं, तुम सब लोग सुनो, हम बिल्कुल सच्ची बात बता रही हैं। शरीर का नाश बिल्कुल निकट है, इसलिए श्री जनार्दन का पूजन अवश्य करना चाहिए। सदा ही श्री विष्णु की आराधना करते रहो। यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। बंधुओं, स्थावर आदि योनियों में अरबों खरबों बार भटकने के बाद किसी तरह जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य होने पर भी देवताओं के पूजन और दान में मन लगाना तो और भी कठिन है। माताओं, योग बुद्धि सबसे दुर्लभ है। जो दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर सदा ही श्री हरि का पूजन नहीं करता, वह आप ही अपना विनाश करता है। उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा? तुम लोग दंभ का आचरण छोड़कर सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा करो। हम लोग बारंबार भुजाएं उठाकर तुम्हारे हित की बात कहती हैं। सर्वथा भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और मनुष्यों के साथ ईर्ष्या का भाव छोड़ देना चाहिए। सबके धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए तुम सब लोग कैसे पार जाओगे? माताओं, अधिक कहने की क्या आवश्यकता, हमारी यह बात सुनो। जो प्रतिदिन तन्मय होकर भगवान गोविंद के गुणों का गान तथा नामों का संकीर्तन करते हैं, उन्हें वेदों से, तपस्या से, शस्त्रों दक्षिणा वाले यज्ञों से, पुत्र और स्त्रियों से, संसार के कृत्यों से तथा घर खेत और बंधु बांधवों से क्या लेना है? इसलिए तुम लोग भय छोड़कर श्री केशव की आराधना करो। शालग्राम शिला का निर्मल एवं शुद्ध चरणामृत पियो तथा भगवान विष्णु के दिन एकादशी को उपवास करो। जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करो, साथ ही पति की सेवा में लगी रहो। नर का भय तो तुम्हें दूर से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाली परम पवित्र एकादशी तिथि प्रत्येक पक्ष में आती है। फिर तुम्हें नर्क से भय क्यों हो रहा है? घर से बाहर के जल में स्नान करने से पुण्य प्रदान करने वाला माघ मास भी प्रतिवर्ष आया करता है, इसलिए किसी भी तरह से नर्क से भय मत करो।
इसके बाद वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, वे कन्याएं अपने माताओं से इस प्रकार कहकर पुनः मांग स्नान उपवास आदि व्रत धर्म तथा दान करने में लग गए। मांग महा महत्तम अध्याय 28 समाप्तम। प्रेम से मन से जाप करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम अधारा, नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम भक्ति मुक्ति पाई जा सकती है। राधे राधे।